ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। यह राशिफल है 30 मार्च 2018। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, लेकिन इस दिन व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी। चूंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होगा, इस कारण व्रत की पूर्णिमा इसी दिन मानी जाएगी। शुक्रवार का दिन है, पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र विद्यमान रहेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है, 12 राशियों के लिए क्या खास उपाय करना है जिससे दिन उनका अति उत्तम व्यतीत हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर हो सकती है, व्यावहारिक ढंग से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी पार्ट टाइम या अतिरिक्त इनकम के बारे में विचार आपका हो सकता है। ऑफिस में बहुत से काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज आप दूसरों की मदद करने के लिए हर समय पूरी तरह तैयार रहेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपको बीज बचाव करना पड़ सकता है। रोजमर्रा के कामों में किस्मत का साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। आज आप किसी से अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं तो कह दे। राजनीति से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। कोई बड़ी सफलता आज आपको मिल सकती है। कला संगीत में आपकी रुचि बढ़ेगी और आज आप जो है भगवान शंकर जी के ऊपर एक लोंग जरूर चढ़ा देना। इससे दिन आपका अति श्रेष्ठ व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दूसरों के साथ व्यवहार में आप दिमाग से काम लेंगे। आप में ऊर्जा का स्तर भी सामान्य रहेगा। साथ काम करने वाले लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी नई योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य से काम ले और टकराव की स्थितियों से बच करके चले। आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से आपको बचना होगा। कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने से आप परेशान हो सकते हैं। दिन आपके लिए इतना अच्छा व्यतीत नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए दिन भर किसी न किसी प्रकार की रुकावट की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में आ सकती है। जोश में आकर किसी को भी बिन मांगी सलाह बिल्कुल न दे, अन्यथा किसी प्रकार की परेशानी में आप फंस सकते हैं। उपाय के रूप में आज आपको किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दिन आपका अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। बिजनेस या कार्य क्षेत्र में कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। नई प्लानिंग आपकी शुरू होने वाली है। दिन आपके लिए शुभ है। कोई बड़ा सपना भी आपका पूरा हो सकता है। आमदनी बढ़ाने का अच्छा मौका आज आपको मिल सकता है। कोशिश जरूर करें। यह भी हो सकता है कि आज आपको खरीदारी करते समय किसी तरह का फायदा हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन आज आप कुछ संवेदनशील हो सकते हैं। आज आपको कुछ चीजों को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ सकती है। खर्च की स्थिति अधिक बन सकती है। ऑफिस में कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आज आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दिन आपका अति श्रेष्ठ व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप जो है सभी के साथ मिलकर के काम करेंगे। सामूहिक रूप से किए जाने वाले कामों में आपको सफलता मिल सकती है। दोस्त पड़ोसी और रिश्तेदार किसी खास मामले में आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। प्रेम संबंध भी आपके शुरू हो सकते हैं। कुछ काम आप दूसरों पर छोड़ दें। बाहर घूमने का मन आपका बनेगा। नया वाहन खरीदने की इच्छा होगी। आप खर्चों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह कुछ बेचैनी महसूस होगी। आज आप ऐसे कोई भी काम न करें जिनमें आपको जो है किसी आगे चल करके मुश्किल का सामना करना पड़े। इसलिए जो भी काम करे उसे सोच समझ करके जरूर करे। उपाय के रूप में आज आपको जो है गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे दिन आपका अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज जो भी आप आत्मविश्वास से काम करेंगे वह कार्य आपके पूरे होंगे। पुराने तनाव और दबाव बहुत हद तक आज समाप्त हो सकते हैं। पैसों से जुड़े किसी मामले को सुलझाने का काम टालते आ रहे हैं तो उस पर नई शुरुआत करने के लिहाज से दिन अति उत्तम है।
आपकी आर्थिक स्थिति में जल्द ही बड़े सुधार हो सकते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा, सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे, नए पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी इनकम अच्छी रहेगी, बिजनेस और नौकरी में प्रगति के योग है, कार्यक्षेत्र में उन्नति हो सकती है और आज आपका अचानक मूड किसी कारण से खराब हो सकता है, इसलिए आज आप किसी से भी विवाद बिल्कुल न करें और किसी भी मंदिर में जाकर के हल्दी का दान करना आज आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। बहुत से मामलों में दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप अनुशासन और खुद के सम्मान को लेकर के बहुत सावधान रहेंगे। प्रेम और रोमांस के लिहाज से दिन अति उत्तम है। आप धैर्यपूर्वक आसपास के लोगों की हरकतों को सहन कर सकते हैं। समय आने पर आप अपनी बात भी कहेंगे। तब तक धैर्य रखें। इनकम आपकी सामान्य रहेगी और आकर्षण आपका समाज में बड़ा रहेगा। जब आप अपनी बात पर जोर देंगे तो जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। आप संकोची भी रहेंगे। बिजनेस के मामलों में सावधान और चौकन्ने रहे। किसी करीबी व्यक्ति से आपको धोखा भी मिल सकता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक सभी काम करना चाहिए। उपाय के रूप में आज आपको जो है किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। हर काम दिल खोल कर करने से फायदा हो सकता है। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वार्थ से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे अपनी बात कहना चाहे तो उसकी बात ध्यान से सुने। आप कल्पनाशीलता से दूर रहे और व्यावहारिक रहे। आज आप अपने काम पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मन में कई तरह की बातें आज चलती रहेगी। मौका मिले तो अकेले में बैठ करके थोड़ा चिंतन करें, विचार करें। कुछ कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा। परिवार की समस्याओं में आप व्यस्त हो सकते हैं। कुछ कामकाज आपके अधूरे भी रह सकते हैं। जो काम जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। ज्यादा बदलाव करने की कोशिश न करें, कोई फायदा नहीं है। बोलते समय सावधानी रखें। आप कहना कुछ चाहेंगे लेकिन बात कुछ और निकल सकती है। उपाय के रूप में आज आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर के गंगा जल थोड़ा सा चढ़ा देना चाहिए। इससे दिन आपका अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप जो है दिन भर अति व्यस्त रहेंगे। जल्द ही आपके सामने अच्छे अवसर आ सकते हैं। बिजनेस या शिक्षा के कारणों से यात्रा का कार्यक्रम भी जल्द ही आपका बन सकता है। सहयोग और दोस्ती से ज्यादातर काम आपके पूरे हो सकते हैं। उच्च पद पाने की इच्छा तेज हो सकती है। सिर्फ अपनी उपलब्धि को अपने बॉस की जानकारी में रख दे। कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा। सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। आज आप जो है खर्चा ज्यादा करेंगे। चोरी या कोई सामान गुम होने का डर रहेगा। सावधान रहे। कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। इससे आपको ही आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। आज जो है आप पूरे तन्मयता के साथ यदि काम करते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल या लाल फल जाकर के चढ़ा देना। इससे दिन आपका अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कुछ रचनात्मक या नया काम करने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। कामकाज पर पूरा ध्यान दें। इससे आपको ही फायदा होगा। आपकी इमेज अच्छी होगी। सोचे हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। सामूहिक कामों के लिए दिन अच्छा है। दूसरों के मन में चलती बातें आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं। हर पहलू पर समझौते का मन बना करके आप चले या आपके फेवर में साबित होगा। बल्कि बहुत से लोग आपकी बात का समर्थन कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे नहा लेना। दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। दूर स्थान के लोगों से आज मुलाकात होगी। नए लोगों से आज आपकी चर्चा होगी। रिश्तेदारों की मदद से कुछ काम आपके पूरे हो सकते हैं। कुछ नया अनुभव आज आपको मिल सकता है। ऑफिस में बड़े अधिकारियों से आपकी अच्छी बातचीत होगी। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा और पढ़ाई लिखाई में आपका मन बनेगा। संतान की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाकर के घी का दान करना आपके लिए आज अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। पैसों के मामलों में अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आज मिल जाएगी। किसी रिश्ते की शुरुआत आज हो सकती है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। खुद में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। नजदीकी संबंधों में सुधार होने के योग है। नया काम आपको मिल सकता है। रोजमर्रा के कुछ काम आसानी से और किस्मत की मदद से आपके पूरे हो जाएंगे। कहीं से आपको फायदा मिले तो उसे स्वीकार कर ले। बिजनेस अच्छा रहेगा
विद्यार्थियों के लिए दिन अति उत्तम है। आज आपको उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में दूध की मिठाई अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे दिन आपका अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। सारी परिस्थितियां आप अपने दम पर संभाल लेंगे। जिस काम पर आप पिछले कुछ समय से मेहनत करते आ रहे हैं उसका आपको फायदा होगा। आपको जो काम दिया गया है उसके बारे में साथ के लोगों से साफ साफ बात करें। दूसरों की मदद करने की भरपूर कोशिश आज आप कर सकते हैं। आज आपको दोस्त या जीवन साथी से किसी से भी सहयोग मिल सकता है और अविवाहित लोगों का रिश्ता भी आज तय हो सकता है। नए लोगों से मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में आज आपको सफेद रंग का चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलना चाहिए, इससे दिन आपका अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।